मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार 2 के नए मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री ने लगभग सभी तबकों को साधने की कोशिश की है। एक तरफ विदेशी मामलों के एक्सपर्ट एस जयशंकर जैसे अधिकारी को अपनी कैबिनेट में जगह दी, तो वहीं प्रताप चंद्र सारंगी जैसे बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता को भी मंत्री बनाया। ओडिशा के मोदी कहे जाने वाले प्रताप चंद्र सारंगी की राजनीति की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही दिलचस्प उनके मंत्री बनने की दास्तां है। दरअसल पूरे देश में प्रचंड जीत हासिल करके विरोधियों को तो बीजेपी ने पस्त कर दिया, लेकिन इतने बड़े जनादेश के बाद एक मेहनती और अच्छी कैबिनेट को तैयार करना पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए बाकायदा नई टीम को लेकर घंटों चर्चा की गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के साथ घंटों नई कैबिनेट के गठन को लेकर चर्चा की, तब कहीं जाकर 57 मंत्रियों की सूची तैयार हो पाई। अब इसके बाद बारी थी एक एक कर उन सभी सांसदों को सूचना देने की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद फोन करके चुने गए सांसदों को मंत्री बनाए जाने की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब ओडिशा के बालासोर से सांसद चुने गए प्रताप चंद्र सारंगी की बारी आई, तो अमित शाह ये जानकर हैरान रह गए कि सारंगी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। बीजेपी दफ्तर की तरफ से कई बार प्रताप चंद्र सारंगी को फोन घनघनाया गया, लेकिन सारंगी ने फोन नहीं उठाया। सारंगी ने खुद इस बात का खुलासा एक निजी चैनल से बात करते हुए किया है। सारंगी ने बताया कि वो अपने फोन को साइलेंट कर भूल गए थे, इसीलिए जब बीजेपी से उन्हें फोन आया तो वो उसे उठा नहीं पाए। सारंगी ने कहा कि करीब 3 बजे उनके पास फिर से फोन आया, उस वक्त वो बीजेपी के कार्यालय में थे। दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज आई कि पार्टी अध्यक्ष आपसे बात करना चाहते हैं, और सवाल किया कि तुम इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहे। बहरहाल बाद में अमित शाह ने उनसे बात की और कहा कि शाम को आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है, इससे पहले 5 बजे पीएम के साथ एक बैठक को भी अटेंड करना है। सारंगी ने कहा कि उन्हें इस बात से बहुत हैरानी हुई। उन्होंने अमित शाह से सवाल किया कि मैं मंत्री पद की शपथ क्यों लूं? इस पर अमित शाह ने कहा कि क्या बात है, तुमको ही लेना है, तुम धर्मेंद्र प्रधान के साथ दिल्ली आओ। इसके बाद सारंगी धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे, जिन्हें पहले से ही उनके बारे में बताया जा चुका था। आपको बता दें कि घास फूस की झोपड़ी और साइकिल पर सवारी करने वाले सारंगी मोदी सरकार के सबसे गरीब मंत्री हैं। अपने सादगी भरे जीवन की वजह से ही उन्हें ओडिशा का मोदी कहा जाता है। सारंगी पहली बार साल 2004 में बालासोर से लोकसभा चुनाव जीते थे। 2009 में उन्होंने नीलागिरी से बतौर निर्दलीय विधायक जीत दर्ज की। सारंगी आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, मोदी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया है। सारंगी को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्री प्रताप चंद्र सारंगी। मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत की जनता ने अगले 5 वर्षों के लिए देश की बागडोर जिसके हाथों में सौंपी है, उस सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है। अभूतपूर्व परिणाम और अब है देश में नई सरकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका मंत्रिमंडल भविष्य में भारत और भारत के भविष्य को तय करेगा। The oath of office in secrecy administered to Prime Minister Narendra Modi and his new council of ministers. As vows are taken anew and congratulatory greetings exchanged, dedication is renewed. India looks forward to the future. We trust that governance will facilitate the fulfillment of the aspirations of nearly 1.3 billion Indians. These are moments of celebration and bonhomie and of course a photo op. But knowing Modi ji's dedication and commitment to his goals, it will be back to work for him and his council of ministers sooner than we know. Much has been achieved in the last 5 years, but there is a long road ahead. Yaadgar pal yaadon mein rehte hain, tasveeron mein muskurate hain. Aaj ke aise hi kshan kameron mein simat rahe hain. 26 mai 2014 bhi ek yaadgar din tha aur 30 mai 2019 ko yaadon mein sametne ka ye avsar samay hai tasveeron ka. The Prime Minister's new council and colleagues will stand strong and committed to ensuring that actions result from the Prime Minister's vision of a new India, while treating the salient features of the Indian Constitution as sacred. As any group of elected representatives begin a new tenure of governance anywhere in the world, there is a renewed energy and a desire to make a difference, and once again, words of wisdom inscribed at the base of the Jaipur column here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan need to be shared. In thought, faith. In word, wisdom. In deed, courage. In life, service. So may India be great. कहते हैं आस्था और विश्वास तर्क से ऊपर होते हैं। ये बात सही उतरती है जब लोग तर्क करते रहते हैं और आस्था जीत जाती है, विश्वास दृढ़ हो जाता है।